जहन दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूं जिसको सुनकर के इस वीडियो को आपको लगेगा कि आपकी जरूरत ये वीडियो पूरी करेगा। दोस्तों, जो सैनिक आज सेना में सर्विस कर रहे हैं या जो रिटायर होके आए या जो रिसेंटली रिटायर होने वाले, जैसा हम सभी जानते 50 से 60 हजार हमारे सैनिक रिटायर्ड होते हैं। अब रिटायर्ड होने के बाद जैसा हम सभी जानते हैं DGR यानी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट के जो आंकड़े कहते हैं वो हमें नौकरी कितना देती है, 1.5 से 2%। स्टेटमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कोटे होते हैं आपके लिए वो कितने, 2 से 3% आप लोग अवेल नहीं कर पा रहे। फिर आपके पास क्या बचता है अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए। और आज मैं एक ऐसी चीज, ऐसी जगह लेके आया हूं जहां पर आपकी लाइबिलिटीज पूरी होगी, आपको जॉब मिलेगा, आपकी वाइफ को जॉब मिल सकता है और आपके बच्चों को। जॉब का मतलब बिजनेस है, बिजनेस का मतलब आपकी जो नीड है, जो आपकी लाइबिलिटीज है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। डॉक्टर रघुरमन का इंटरव्यू आपने देखा होगा कि एक सैनिक बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकता है, एक टैंक को वो असेंबल कर सकता है और जब वो रिटायरमेंट होके आता है उसको सिर्फ नौकरी मिलती तो ATM के बाहर 10,000 रुपए महीने की। किसी VIP के बॉडीगार्ड 15,000 की नौकरी, किसी होटल के बाहर गेट खोलने की 10,000 की नौकरी। क्यों हम ऐसी एक सम्मानजनक स्थिति में, हम आपको आज पहुंचाने के लिए ये मेरी कोशिश है। मैं ग्वालियर से चलकर आया हूं सूरत और जहां पर मैं आज आपसे रूबरू कराऊंगा यहां अजमेरा फैशन शो के जो ऑनर्स हैं मिस्टर अजय सिंह अजमेरा से। इन्होंने आपकी पुलवामा के बाद उनके अंदर एक प्रेरणा जागी कि मैं सैनिकों के लिए क्या कर सकूं, सैनिकों की विधवाओं के लिए क्या कर सकूं, उनके बच्चों के लिए क्या कर सकूं, यानी ये रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस के बारे में आपको कंसेशन के साथ पूरी बात करेंगे। और आज है मेरा इनके साथ इंटरव्यू। सबसे पहले सर का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया हूं। और जैसा आप सभी जानते हो मेरा जो चैनल है, मैं फौजियों के लिए काम वही करता हूं जो उनके लिए लाभदायक हो। और आज बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यानी आप जब रिटायरमेंट आते हैं आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी यंग आपकी लड़कियां हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, तो यहां से आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। सर के बाहर बहुत सारे स्लोगन्स मैंने आपके पढ़े, आपने महिलाओं के सम्मान के लिए, आर्थिक सहभागिता के लिए, उनको अपना मतलब समाज में अपनी आर्थिक भागीदारी के लिए इतना अच्छा ये सेटअप किया है। और स्पेशली आपने जैसे कहा कि नहीं, मैं आज फौजियों के लिए दिल खोल के बात करूंगा, और आप इनकी बारीकी से बात सुनिए, आपके जो सवाल है मेरे माध्यम से मैं इनको करूंगा ताकि आपको लगे कि नहीं, ये जो इंटरव्यू है और मेरा आना कितना सार्थक है ये आप पर डिपेंड करता है। पूरा वीडियो जरूर आप देखना अंत तक। आप मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनल बात कर सकते हो, मैं एक मीडिएटर हो जाऊंगा अपने व्यूअर्स और सर के बीच में। थैंक यू सर। मैं भी सर एक मीडिएटर ही हूँ, ऊपर वाले के बीच में, हमारे व्यूवर्स के बीच में, बाकी मैं भी और कुछ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो ये बोलते हैं कि मैंने इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं नहीं हूँ सर, जो कर रहा है वो कर रहा है, बस उसने हमें निमित्त बनाया है, होता ही है वो एक बड़ी बात है सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भदौरिया साहब। थैंक यू सो मच। आप आए अजमेरा फैशन में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने हमें मौका दिया है, हमारी जो बात हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उस काम को आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स तक पहुंचाने का, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की अंदर की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपके काम को और उन सभी के काम को जिनकी वजह से आज हम बैठ के यहाँ आराम से शांति से अपना काम कर पा रहे हैं, अपनी बात कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आप आए हो, सर मैं नहीं आया हूँ, मेरा पूरा सैनिक जीवन चैनल परिवार आया है। आप मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे जो लाखों व्यूवर्स हैं जो रोज मुझे देखते हैं आप उनसे बात कर रहे हैं। आज उन्हीं के सवाल लेके मैं आपके पास आया हूँ। जरूर मैं आशा करता हूँ कि ये जो वो वीडियो देखेंगे और आपकी जो प्लानिंग है उनके लिए जी, वो बिल्कुल उनके दिल तक उतरे जी, और आकर के वो अपनी सहभागिता अपने खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए आपसे जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सर इसमें, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आखिर ये जो कंपनी है आपकी, इसमें बहुत सारी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उनका बिजनेस बाकी जो आपके लोग हैं वो किस तरह करेंगे, आप फौजियों के लिए किस तरह के, फौजियों के पास कम पूंजी होती है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, उससे ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो वो घर बैठे कैसे कर सकता है, आपकी शॉप आपकी कंपनी में आके विजिट कैसे कर सकता है, आपके जो लोग हैं यहाँ जो प्रोफेशनल हैं उनसे किस तरह कॉन्टेक्ट करके इस चीज़ के लिए आगे अपने प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करें। देखिए,
हम कोशिश करेंगे शॉर्ट रूप में, समय की एक मर्यादा होती है वीडियो की, हम शॉर्ट रूप में आपको समझाने की। लेकिन इसके अलावा मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उस नंबर पे कॉल करके आप पूरे तरीके से पूरी जानकारी ले सकते हैं इस बिज़नेस के बारे में। कोशिश हम भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि भाई आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है कि भाई आप कॉल कर लीजिए, आप हमारे यहाँ से जुड़ करके एक रिटेल बिज़नेस कर सकते हैं छोटे रूप में। एक महिला अगर है तो वो घर से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती है मात्र 25,000 या 30,000 रुपये लगा करके। आप बड़ा शोरूम बना सकते हैं, रिटेल शोरूम, जो आप कंज्यूमर को डायरेक्ट वहाँ से बेच सकते हैं। तीसरा, आप बड़ा होलसेल आप करना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं अजमेरा फैशन की, तो आप ले सकते हैं। चौथा, आप अगर अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अजमेरा फैशन का नाम जो जोड़ना चाहते हैं, आप अपना अजमेरा के नाम से शोरूम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अजमेरा फैशन फौजियों के लिए, जैसा कि मैंने सर को अभी बताया था, एक ही प्राइस है हमेशा सबके लिए। चाहे कोई भी आ जाए, 1 करोड़ का कपड़ा लेगा तो भी एक ही रेट मिलेगी मेरे यहाँ। कोई 5 करोड़ का लेगा या कोई 50,000 रुपये का कपड़ा लेता है तो एक ही रेट मेरे यहाँ है। लेकिन हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी को बिजनेस करना हो तो, कंज्यूमर के लिए हम नहीं हैं। 1 साड़ी 2 साड़ी 5 साड़ी लेनी है आपको तो हम नहीं देते हैं। ये चीज़ का आप खास ख्याल रखें, बहुत सारे कमेंट आते हैं नीचे, मैं पढ़ता हूँ। तो इतना हमारे यहाँ से आप बिज़नेस के लिए कर सकते हैं। और फौजियों के लिए 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो भी हमारी पॉलिसी है, नॉलेज की पॉलिसी है, हमारे यहाँ किसी तरीके का डिस्काउंट किसी के लिए नहीं है। लेकिन फौजियों को हम लोग 2% डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो नेवी से हो, जल थल और नभ 3 सेनाएं होती है अपने यहाँ, कोई भी है अगर वहाँ से, तो उनके लिए हमारे यहाँ से 2% डिस्काउंट जाता है सर। अच्छी बात है, सर ने कहा है कि आपको 2% का कंसेशन मिलेगा और किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर सकते हो। उन्होंने बोला कि आप रिटेल में यहाँ से सामान ले सकते हो, अपने घर पे वहाँ बेच सकते हो, या अपनी मॉल या शोरूम बना सकते हो, या आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, यानी आपके लिए पूरे ऑप्शन है। और किसी भी ऑप्शन में एक बात है, सर ने कहा है कि मैं बाकियों की अपेक्षा आपको 2% में, यानी 2% में, यदि आप 1 लाख का साड़ी का बिजनेस करते हो तो वो आपको 2,000 का डिस्काउंट देंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट किया है कि वो अप्रोच इस बात पे कर रहे हैं, उनकी कंपनी आगे प्रोसेस कर रही है, हम आपको एक अच्छा स्टैंडअप देंगे बिजनेस करने के लिए। सर डिलीवरी, ये तो हमारे कुछ कस्टमर हैं, आप डिलीवरी का क्या प्रोसेस है, वो यहाँ से डिलीवरी आके ले जाएंगे या आपकी डिलीवरी कुछ प्रोसेस? दोनों तरीके का ऑप्शन है, आप स्वयं ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो भी यहाँ से हम लोग भेज देते हैं। सूरत से सभी जगह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका भाड़ा जो है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत नॉमिनल होता है, वो आपको पे करना है, वो भी वहाँ जाने के, माल मिलने के बाद पे करना है आपको। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे आप यहाँ आके लेके जाएँ या वहाँ से आपने ऑनलाइन परचेज किया है फ़ोन के मार्फत, कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तब तक उसकी जवाबदारी हमारी रहेगी। हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं कपड़े को, रास्ते में कुछ भी बनाव बनता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आपका पार्सल में आग लग गई, आपका पार्सल चोरी हो गया, हम या तो आपको दूसरा पार्सल देंगे, नहीं तो आपको नया आपका पैसा आपका रिफंड करेंगे। तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताया कि आपका कोई रिस्क नहीं है, जब तक आपका माल जो आपने कैटलॉग से सिलेक्ट किया है वो आपके दुकान तक पहुंच जाता है, आपकी शॉप तक पहुंच जाता है, जब तक सर जिम्मेदार है, बीच में कुछ भी बैड हैपनिंग होती है तो, यानी कोई भी रिस्क आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फैसिलिटीज है। आप समझ सकते हो, आपके घर में आपकी वाइफ है, सब जानते हैं साड़ी के बारे में, ऐसा कोई नहीं कि जो कौन सी लड़की नहीं जानती, रेडीमेड गार्मेंट्स हैं सभी जानते हैं, उसमें उनको पहचान है। और मार्जिन को समझना शायद बारीकी से लेडीज को सब पता है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और सर आप ये बता सकते हो कि और किस किस प्रकार की साड़ी है, किस किस रेंज की साड़ी है, इसके बारे में और क्या क्या रेडीमेड गार्मेंट्स हैं? प्लीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए साड़ीज हैं, साड़ी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं।
साड़ी के अंदर कॉटन साड़ी आती है, सिंथेटिक साड़ी आती है, प्रिंटेड साड़ी आती है, वर्क साड़ी आती है, एम्ब्रॉयडरी करी हुई साड़ी जो रहती है, सूती कॉटन साड़ी आती है, सिल्क साड़ी आती है, जो बनारसी साड़ी और पैठनी साड़ी जिनको बोलते हैं वो सब साड़ी भी मिलती है। तो साड़ी में बहुत सारी वेराइटी है, साड़ी के साथ में मैचिंग आती है, पेटीकोट है, ब्लाउज़ है, फॉल है, ये सब तरीके के सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रेडीमेड सूट वगैरह जो स्टिच सूट रहते हैं, अनस्टिच सूट रहते हैं, वो मिल जाते हैं आपको। कुर्तीज़ मिल जाती है आपको यहाँ पे, पैंट शर्ट मिल जाते हैं आपको, बच्चों के किड्स वियर भी आपको मिल जाते हैं। तो कपड़ा एक छत के नीचे सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नया अगर कोई शुरू करना चाहता है, जैसा कि आपने बताया है मिलिट्री के जवान, आपके चैनल का नाम ही है सैनिक जीवन, तो अगर वो नया जुड़ना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो उनको दो आइटम, तीन आइटम या एक आइटम से शुरुआत करनी चाहिए। सारी चीज़ें मिक्स करके रखने से कोई मतलब नहीं है, रेंज पूरी नहीं बन पाएगी और आपको भी थोड़ा समझने में समय लगेगा। तो सबसे इजी आपके लिए जो प्रोडक्ट है वो है साड़ी या कुर्ती या सूट जो ड्रेस मटेरियल आता है, उनसे आप शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही सर ने। सर ने ये कहा है कि जैसे ऑल ओवर इंडिया का अलग अलग फैशन होता है, साड़ी भी पहनते हैं, अलग अलग क्वालिटी की होती है, अलग अलग क्वांटिटीज़ में लोग अलग चीज़ पहनते हैं, कोई कुर्ती पहनता है, सलवार, पंजाब। अब उन्होंने कहा है कि यदि आपको बिजनेस करना है तो एक या दो चीज़ पर आप फोकस करिए, अपना स्टार्टअप करिए, ताकि उसको अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाओ, आप उस पर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस चलता है आप आगे और भी चीज़ें ले सकते हो। ये इनकी तरफ से टिप्स है अपने व्यूवर्स को जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और किसी के। और सर आप और क्या चीज़ें हैं स्पेशल और क्या दे सकते हो, आप मुझे बता सकते हो? जर बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि एक सैनिक को या तो किसी की उसमें सिक्योरिटी में लगा दिया जाता है 10-15 हज़ार रुपये, या फिर किसी होटल के गेट पे गेट कीपर बन के खड़े हो जाते हैं, जबकि वो क्या नहीं कर सकता है, उसने जो सेवा दी है बॉर्डर के ऊपर खड़े होके, वो चाहे तो वो एक पूरा टैंक बना सकता है। जैसा कि आप अभी जैसे हम सभी जानते हैं करीब 25 लाख सैनिक रिटायरीज हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं देश के अंदर, उनके लिए जॉब नहीं है, उनके लिए और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सर भी कह रहे हैं कि जो भी ऐसे सेना के साथ रिलेटेड, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे सिक्योरिटी के कंसर्न में हो, और सारा कुछ जो भी रिटायरीज हैं उनको ये प्रिविलेज मिले, उन्हें मौका मिले। और इसी की कड़ी में इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्टअप में सैनिकों की भागीदारी के लिए एक प्रयास है। मैं इनके प्रयास को आप लोगों से बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल रिस्क लीजिए और बात करिए, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट में 1-1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपकी वाइफ बहुत सारी चीज़ें समझती हैं, आपकी बेटी बड़ी होती है, इन सब चीज़ों को समझती हैं और घर से हैंडल कर सकती हैं। आपके पास घर है, आप बाहर बोर्डिंग होर्डिंग लगाइए, लोग कितना ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो आप अपने कस्बे में, अपने इलाके में, इस ये जो सर आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बड़े शॉप में आपके शहर में मिल जाएंगी, जरा वहाँ आप उसकी रेट पता करिए और सर से पता करिए, कंपेरिजन करिए और बिजनेस करिए। बेस्ट ऑफ लक।